चैप्टर नंबर एट का क्या नाम है? क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर के अंदर 8.1 एक्सरसाइज, जिसके हम हर एक जो वीडियोस बना रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं ना। कुछ कुछ वीडियोस में अपन ने दो दो क्वेश्चंस भी मर्ज किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में क्या दे दिया? ABCD एक रेक्टेंगल है। तो दिमाग कहाँ चला? रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल यानी क्या? रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल होती है। साथ में वहाँ पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? ये सब 90 डिग्री होगा। यदि 90 डिग्री होगा तो ही वो रेक्टेंगल कहलाता है। अपन कहाँ है? क्वेश्चन में दे रखा था कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मतलब अपन ने कुछ उसकी विशेषताएँ देख ली। आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि उसका एक डायगोनल है जिसका नाम AC है, जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। यदि वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा या वो एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा मतलब वो दो बराबर इक्वल पार्ट में। ओके, तो देखो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। ये भी समझ में आ गया। तो आपको शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है ना। ये बात तो गिवन थी। अब ABCD एक स्क्वायर है तो बत्ती क्या जलनी चाहिए? स्क्वायर की विशेषता। स्क्वायर कब कहलाता है? जब उसकी चारों साइड इक्वल होती है। मतलब आपको सबसे पहले बताना है कि उसकी चारों साइड इक्वल होगी, तो मतलब ये साइड तो पैरेलल है, ये भी हम बताएंगे, फिर इनको कहीं ना कहीं इक्वल बताएंगे। मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। यदि इतना हमने बता दिया तो क्या बोलेंगे? कि ये एक स्क्वायर है। और स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात ये भी बताना है कि BD एक डायगोनल होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो सेकेंडरी बात है। अब जब हम प्रूफ पे आते हैं तो प्रूफ में पहली कंडीशन क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता तो एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम्स हैव अ 2 पैरेलल लाइंस, इधर हो इधर, इधर हो इधर होगी। तो इस क्वेश्चन में यदि रेक्टेंगल है तो AB पैरेलल होगी CD के, और AC कौन है? ट्रांसवर्सल लाइन के कारण ये जेड बन गया, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर। जेड बन गया ना ऐसे, तो ये 2 एंगल किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। कारण अल्टरनेट इंटीजर एंगल हो गया। अब देखो 2 4 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, ठीक है, और 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। यदि 2 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर भी है, तो 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, हो गए इक्वल, बराबर हो गए। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 4 के। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ABC। अब क्या करेंगे? देखो इतना हमने बना लिया, अब हम गेम क्या खेलेंगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए। यदि दो साइड इक्वल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये अपन ने ले लिया। इन दोनों में देखो तो अपना जो कॉमन है कौन? BC का होगा। ओके, BC कॉमन हो गया। अब BC कॉमन हो गया तो सिमिलरली CD भी इसके बराबर हो जाएगा। CD किसके बराबर हो जाएगा? DA के बराबर। काय के लिए? जैसे ट्राइंगल ABC लिए, आप ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? ADC क्या लेंगे? तो ठीक है, आप देखिए यदि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऑब्वियसली बात है AB किसके बराबर हो गया? BC के, और CD और DA के। तो हमने क्या बता दिया कि जब तीनों साइड बराबर होती है तो टर्म्स इन कंडीशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी सारी साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो इक्वल होगी तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। यदि ये स्क्वायर है तो जो स्क्वायर होते हैं तो उसके डायगोनल भी जो होते हैं अपोजिट साइड को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा। सेकंड वाली चीज़ तो ऐसे सिमिलर ही हो जाती है, CBCD फॉर्म से भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने बता दिया कि एक रेक्टेंगल शेप में कोई डायगोनल वो है कौन है? पैरेललोग्राम, और क्या कहते हैं इसको हम? क्वाड्रिलेटर है। अब वो जो क्वाड्रिलेटर है उसमें एक डायगोनल ऐसी है, तो आपको बताना था कि स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर होगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो दोनों चीज़ अपन ने बता दिया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इस 9 में जो है करीबन 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5। मैंने आपके सामने 2 लिखे हैं क्योंकि हम दो दो करके इसको प्रूव करेंगे ना। तो 5 पार्ट का जो है
पहला एक बात तो दे रही कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है मतलब ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल हो जाएगी। और क्या दे रखा है साथ में, इसके एक डायगोनल जो बी डी है उसके ऊपर दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट है। और यहाँ से दे रखा कि डी पी और पी क्यू क्या है, इक्वल है। और आपको बताना है पहली कंडीशन की ए पी डी, ए पी डी और सी क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट बताना है, कॉन्ग्रेंट बताने के लिए हमने ले लिया कि ए डी जो है कौन सा, ए डी किसके पैलर है, बी सी के, बी सी के पैलर है। और बी डी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन से। तो यदि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, जेड बन गया, कहाँ बन गया जेड, ऐसे ए डी और ए बी, तो ए डी बी इक्वल सी बी डी हो गया। अब यदि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डी पी भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, सी क्यू पी, ये वाला एंगल और सॉरी ये वाला एंगल इक्वल हो गया आपका, दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। कौन सा, यहाँ भी डी आ गया और यहाँ कौन आ गया, बी आ गया, बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया इक्वल। देखिए अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इन दोनों ट्राइंगल में देखो कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के, बाय डेफिनेशन आप पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पी और डी इक्वल किसके है, बी क्यू के इक्वल है, क्यों है, दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो एंगल ए डी पी, ए डी पी और सी क्यू बी बराबर, अपन ने कहाँ किया, अभी बताया ना इसे, तो देखो दो साइड इक्वल एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, बता दिया कॉन्ग्रेंट पहली कंडीशन। और सी पी सी डी से ए पी किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के, ठीक है। ये हमारे पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर तीन चार पाँच जो भी आगे देखते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग इसके पार्ट नंबर तीन चार और पाँच, तीन चार पाँच पार्ट में क्या है, जैसे अभी अपने पास एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, अब आपको कौन सा एक ट्राइंगल है, ए क्यू सी, ए क्यू बी, ए क्यू बी कैसे हो सकता है, यहाँ देखो ए क्यू बी कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला, ओके, और सी पी डी ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज अपन लिखेंगे कि ए बी क्या पैरेलल है किसके, सी डी के, हो गई, ए बी सी डी के, और बी डी किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन के लिए, तो फिर जेड बन गया, जेड बन गया, तो ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये वाला एंगल, ओके, और सी डी बी, सी डी बी ये वाला एंगल, ये बन गया जेड, कैसा बना, ऐसा, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ओके। और ए बी क्यू कौन सा, ए बी क्यू, ऑब्वियसली बात है जहाँ डी तक नहीं ले जाते कहाँ ले जाएंगे इसको, क्यू तक ले जाएंगे, और इसको भी कहाँ तक ले जाएंगे, पी तक, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया, दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ले ले लो, एक ट्राइंगल ले ले लो, देखो दोनों में देखेंगे क्यू बी बराबर पी डी, तुम पूछ रहे थे अभी पी क्यू, क्यू बी इक्वल पी डी, क्यों दे रखा है, क्यू बी पहले लिख लिया उसको अपन, मतलब ये बी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, क्यू बी भी लिख सकते हैं और डी पी को पी डी भी लिख सकते हैं, लिख दिया, गिवन है। और ए बी ये चीज कहाँ से आ गई, यहाँ से अभी प्रूव किया, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, रीजन क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। और सेकंड कंडीशन अपने आप प्रूव हो गई गाइस से, सी पी सी डी से। आप देखो ए क्यू किसके इक्वल कर दिया अपन ने, ए क्यू किसके इक्वल कर दिया, सी पी के, यदि दो ये साइड बराबर हो गई तो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम हो गया। तो ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, उस टाइम जो 10 है उसके अंदर एक ए बी सी डी क्या है,
पैरेललोग्राम है, क्या दे रखा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है साथ में दे रखा कि एपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डायगोनल डीबी के, और सीक्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डीक्यू, डीक्यू इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, अब हमको प्रूव करना है कि ए पी बी, ओके, और सी क्यू डी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है, और बाकी सी पी सी डी से जो करना हो कर देंगे हम। ये दोनों बताने के लिए देखो, एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो गए, कारण क्या है, हर एंगल 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, और ए बी किसके इक्वल हो गई सी डी के, बाय डेफिनेशन आप पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी हो गया। आप देखो ए पी बी कौन सा, ए पी बी इसे ले लो, है ना, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, हो गए अल्टरनेट इंटीजर से। तो हमने बता दिया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल, ओके, ये तो हो गया आपका इसका लिए एंगल साइड, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल इधर भी 90 डिग्री का होगा और इधर भी, तो एंगल ये साइड और ये एंगल, कौन सी साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो ए बी साइड किसके इक्वल है, सी डी साइड से, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, तो सी पी सी डी से क्या हो जाएगा, ए पी किसके इक्वल हो गया सी क्यू, दैट्स क्लियर, थैंक यू वेरी मच।